अगली बड़ी खबर का करते हैं जो इस वक्त निकल सामने आ रही है। शराब नीति पर सीबीआई के कसते शिकंजे से बिफरे अरविंद केजरीवाल, विधानसभा में बीजेपी की तुलना सीरियल किलर से अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने कहा कि हमारे 40 विधायक तोड़ने के लिए रखे हैं 800 करोड़ रुपए। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस बना ऑपरेशन कीचड़। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल विधानसभा की कार्यवाही थी, यानी कि विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। सड़क से लेकर सदन तक जमकर विरोध किया गया। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल ने भी लगातार तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। ये तीखा रिएक्शन जो है वो दिया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है, हमें फंसाने की कोशिश है और हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केजरीवाल को सीरियल किलर का खौफ। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है। 40 विधायकों की बोली 800 करोड़ का फंड। ये ऑपरेशन है, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। ऑपरेशन लोटस का कब करेंगे खुलासा? ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। दिल्ली में धोखा धोखा वर्सेस खोखा खोखा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आके ऑपरेशन कीचड़ बन गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर हुई सीबीआई रेड को लेकर बीते कई दिनों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। गुरुवार को दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र था और जैसे कि उम्मीद थी, सदन में आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार और सीबीआई ईडी की रेड को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारों पर हो रही ये रेड गुजरात चुनाव और दिल्ली में सरकार गिराने को लेकर हो रही है। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भी गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। उसी की वजह से हो रहा है ये। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में। गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, असम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। यही नहीं, केंद्र की आलोचना करते हुए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी की तुलना सीरियल किलर से कर दी। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। सीएम केजरीवाल ने अपने भाषण में केंद्र पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश आम आदमी पार्टी के ईमानदार विधायकों ने नाकाम साबित कर दी है। ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं। आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं। तो अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए कि उन्होंने जिन लोगों को चुना है वो एक एक हीरा है। ये मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये टूटने वाले नहीं है। एक भी आदमी नहीं टूटा। कॉन्फिडेंस मोशन इस सदन के अंदर लाना चाहता हूं ताकि जनता के सामने ये साबित हो जाए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आके ऑपरेशन कीचड़ बन गया। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया है। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में सरकार पीठ दिखाकर भाग रही है और जो भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें उप मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज हुई है और जो आबकारी नीति सदन से पारित हुई थी, हमारी मांग है उस आबकारी नीति को वापस क्यों लिया, इस पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अपना जवाब दे। गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष और केंद्र के बीच की जंग विवादित बयानों तक पहुंच जा रही है। गुरुवार को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को दुष्ट कहा था और अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी की तुलना सीरियल किलर से कर दी। 2024 के आम चुनाव में अब 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है और जैसे जैसे समय बीत रहा है महागठबंधन और केंद्र के बीच की तकरार बढ़ती जा रही है।
खासकर ईडी और सीबीआई की इन दिनों हो रही छापेमारियां इस घमासान में जैसे आग में घी का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।